I'm sorry, आंटी. मैं सब कुछ बताना चाहती थी लेकिन पता नहीं क्यों नहीं बता पाई. समर को मेरी लाइफ के बारे में, मेरे पास्ट के बारे में सब पता है, पर पता नहीं क्यों मैं उसे रोहन के बारे में नहीं बता पाई. सॉरी. होता है बेटा, कुछ बातें इतनी कड़वी होती हैं कि हम चाहकर भी उन्हें अपनी जुबान पर नहीं ला सकते. पर समर, बेटा तेरे लिए ये बात बताना इतना मुश्किल था तो सोच, समर ने तो पहली बार ये बात सुनी है, उसके लिए कितना मुश्किल होगा. देख बेटा, समर को तो मैं समझा लूंगी, उससे बात कर लूंगी, पर तेरे अतीत का सामना तुझे ही करना पड़ेगा. डर मत, उसकी आंखों में आंखें डाल के उससे पूछ कि वो क्यों लौटा है. उसे ये बता कि तेरी जिंदगी से कोई बिना तेरी मर्जी के जा तो सकता है, पर बिना तेरी मर्जी के वापस लौट के आ नहीं सकता. और जरा भी मत डर, तेरी माँ तेरे साथ है. अब और परेशान है, और मेरे बच्चों के साथ तो बिल्कुल नहीं. कल तक गरीबी में रहने वाले अब इतने एटीट्यूड में कैसे रहने लगे? ऐसा कौन सा खजाना मिल गया है कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ मुझे ये चेक दे दिया उन लोगों ने? अमित, एक चेक डिपॉजिट करना है, और अगर ये चेक बाउंस हुआ तो लीगल टीम से कह दो कि शाह परिवार को बर्बाद करने के लिए तैयार हो जाए. एक एक को हथकड़ी ना पहनाए तो मेरा नाम राखी दवे नहीं. तुम देविका का मैसेज. हाय अनु, कैसी है? ओके सुनना, मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई इसलिए मैसेज भेज रही हूँ. एक गुड न्यूज है, शाम को तेरे घर आकर बताती हूँ. बस इतना समझ ले, हमारे कॉलेज के दिन वापस आने वाले हैं, और दिन ही नहीं समवन स्पेशल भी. कुछ भी बोलती है पागल छोकरी. बाबा पूजी आ जाए फिर उस बारे में बात करते हैं. किस बारे में? बैंक में चेक जमा करने से पहले फोटो निकाल लेना. फ्रेम करूंगी कि मेरे बेटे को 5 करोड़ का चेक मिला था. सब ठीक तो है? बापूजी डील साइन नहीं हुई है. अनुज कपाड़िया तो हमें मिला नहीं, पर उसने ये लेटर दे दिया है और उसमें लिखा है कि अब वो हमारा कारखाना खरीदना नहीं चाहता है. हे भगवान, इतनी मुश्किल से मन को कारखाना बेचने के लिए समझाया था, पर वो क्यों नहीं खरीदना चाहता है? साग भाजी थोड़ा खरीदने गया था कि मन बदल दिया? कुछ तो बात हुई होगी ना? पता नहीं बा, पता नहीं. सोचा था कि कारखाना बिकेगा तो घर वापस मिल जाएगा. कैसे करेंगे? अब जब बेचने का मन बना ही लिया है तो बेचेंगे ही. अरे अनुज कपड़े या नहीं तो और कोई ग्राहक तो मिल जाएगा. लेकिन बापूजी 5 करोड़ कोई नहीं देगा. अरे जितना मिले उतना, सर से कर्जा तो उतरेगा. बापूजी सही कह रहे हैं. मैं आज ही किसी प्रॉपर्टी डीलर को ये कह देता हूँ कि हम लोग अपना कारखाना बेचना चाहता है. Are you happy now? तुम्हारी नजर लगी होगी कि अनुज कपाड़िया भाग गया. अनुपमा की नजर नहीं लगती, अनुपमा की दुआ लगती है. अरे उसी के आस उनके कान्हा जी ने अनुज कपाड़िया को भेजा होगा. तो क्या यूटर्न लेने के लिए भेजा था बापूजी? जरूर इसकी टोक ही लगी है कि अनुज कपाड़िया बिना मदद किए भाग गया. शट अप काव्या, अनुपमा का तो पता नहीं मुझे, लेकिन तुम्हारी खुद की हाय जरूर लगी. मैंने कहा था मत उछलो, लेकिन तुमने नाच नाच के डील साइन होने से पहले ही चेक साइन करके राखी दवे के हाथ में दे दिया. ओह नो, राखी दवे से चेक वापस लेना होगा. अगर उसने चेक डिपॉजिट कर दिया तो चेक बाउंस हो जाएगा, और अगर चेक बाउंस हो गया तो राखी दवे हमें नहीं छोड़ेगी. वो नागिन तो हमेशा डसने का मौका ही ढूंढती है, और तूने वो मौका उसे थाली सजा के दे दिया. अनुपमा, अनुपमा सुनो ना,
अनुपमा प्लीज राखी दवे के पास जाके वो चेक ले आओ ना प्लीज। अरे तुम राखी दवे को समझती हो, तुम उसे हैंडल कर सकती हो प्लीज। उस दिन जैसे पैसों के लिए तुमने भीख मांगी थी ना, बस वैसे ही जाके चेक भी वापस ले आओ अनुपमा प्लीज। मैं पहले भी कह चुकी हूँ और अभी भी कह रही हूँ, अच्छा होना और पायदान बन के बिक जाना ये तो अलग अलग बातें। अगर तुम्हें राखी बहन को चेक देने की हिम्मत थी, उनकी बेइज्जती करने की हिम्मत थी, उनकी नेम प्लेट उठा के बाहर फेंक के उसे तोड़ने की हिम्मत थी, तो जाके उनसे चेक वापस मांगने की भी हिम्मत रखो ना। गलती मेरी थी तब मैं उनके सामने झुकी थी, अब गलती तुम्हारी है तो भरपाई भी तुम्हें करनी होगी। गॉड अनुपमा इज सो अनहेल्पफुल, मैं क्या करूं? एक तो 5 करोड़ भी हाथ से चले गए, ऊपर से अब तो राखी दवे सचमुच जेल में डाल देगी। माय गॉड माय गॉड माय गॉड, ये तो वही चेक है। किंजल बेटा, ये चेक कहाँ से आया तुम्हारे पास? पापा मैंने आपको और काव्या को अनुज कपाड़िया के ऑफिस से निकलते हुए देखा, देखते ही समझ गई थी कि डील नहीं हुआ, इसलिए मॉम के ऑफिस से जाके चेक लेकर आ गई। थैंक यू सो मच बेटा। तूने चेक मांगा और वो नागिन ने दे दिया, वो तो मांगने से धक्का भी नहीं देती है, चेक दे दिया। एक बात बता, इस चेक के बदले राखी बहन ने तेरे आगे कोई शर्त तो नहीं रखी? कहीं तेरे पेंट हाउस में जाके रहने की शर्त तो नहीं रखी? किंजल बेटा, पापा वो एक्चुअली मैं मॉम के पास गई थी। तुम क्यों बेटा अचानक? ऑल ओके? मॉम मेरा पर्स चोरी हो गया। व्हाट? मैं ऑटो वाले को पैसे देने लगी तो पर्स ही नहीं था, इसलिए मैं वही ऑटो लेकर यहाँ आ गई। मॉम कैन यू गिव मी 130 रुपीज प्लीज। तुम बेटा कभी नहीं सुनती हो मेरी बात। तुम्हारी गाड़ी रखी हुई है घर में, गैराज में, ऐसी खराब हो रही है, ये नहीं कि अपनी गाड़ी ले जाए। ऑटो में धक्का खाने का पता नहीं तुम्हें क्या शौक है, कभी नहीं सुनती हो मेरी बात। किंजल किंजल I can't believe this. तुमने वो चेक चुरा लिया? तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो जा, जाके लौटा दे। बा, मेरा वो मतलब नहीं था। बा, अगर मैं मॉम से चेक मांगती फिर तो वो देती ही नहीं, इसलिए मुझे यही रास्ता चुनना पड़ा। तो वो नागिन को पता नहीं है कि मैदे की कटोरी का प्रेम पत्र तो उठा के लेकर आई है? पता तो चलना ही था ना बा, इसलिए मैंने मॉम को सॉरी का मैसेज पहले ही भेज दिया। उसका रिप्लाई क्या है? ढूंढते हुए नास पापा, 10 मिनट का वॉइस नोट है और उसमें से 8 मिनट तो वो सिर्फ काव्या के बारे में बात कर रही है। मतलब बहुत गुस्सा हो गई है। डोंट वरी बा, मैं मॉम को हैंडल कर लूंगी। ये तो नहीं कह सकते कि तूने जो किया वो सही किया, पर थैंक यू। थैंक यू बेटा, तुमने ये चेक लाकर हमारे सर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। थैंक यू किंजल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, वरना मैं तो डेफिनेटली जेल जाती। तो जा, 1-2 घंटे के लिए अभी भी घूम के आ, कम से कम अगली बार तो ऐसी बेवकूफी नहीं करेगी। सच सच पता, पक्का कोई और बात नहीं है ना? तूने राखी बहन की कोई और शर्त तो नहीं मानी? तुमको छुपा रही हो? मॉम ने वॉइस नोट में कहा है कि हमें उनके सारे पैसे 1 महीने के अंदर लौटाने होंगे। I'm really sorry. मेरी एक स्टूपिडिटी की वजह से एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो दूसरी खड़ी भी हो गई। अरे नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, तूने जो किया बिल्कुल सही किया। अभी हमारे पास 1 महीना है, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। उस वक्त पैनिक में मुझे जो समझ आया मैंने वही किया, एंड नाउ आई अंडरस्टैंड कि मम्मी भी पैनिक में मॉम के पास हेल्प मांगने गई होंगी। मैं अपने मोहल्ले के प्रॉपर्टी डीलर को फोन करके कहता हूँ कि हमें कारखाना बेचना है।
ये अनुज कपाड़िया ने तो हमें धोखा दे दिया। मिला तक नहीं। Well, I guess he's too big for us. नहीं है तो नहीं सही, हमें भी उससे कोई मतलब नहीं है। हेलो, ये तो वो टाटू वाली है सेविका। सेविका बापूजी। जी तेरा बेटा। लगता है मैं गलत वक्त पर आ गई, मैं बाद में आती हूँ। हाँ बराबर, जा। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं बेटा, आओ ना आओ। थैंक यू बापूजी। हाय किंजल। हाय। कैसी है तू? Oh my my, look at you! तू तो पहले से भी और प्रिटी लग रही है। क्यों नहीं लगेगी? लाइफ की डिटॉक्सिंग जो हो गई है। अच्छा बताने, तूने मैसेज किया था? तुझे रास्ते में मैं सब कुछ बता दूंगी। You just get ready. हाँ? चलना, तुझे ले जाने आई हूँ। कहाँ ले जाने आई है? किसी से मिलवाने। किसे? तेरे पास्ट से। साफ साफ बोल रहे, क्या बोल रही है? अरे कॉलेज का रियूनियन डिनर हो रहा है, सब लोग तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन जितने भी अहमदाबाद में ना, वो सारे के सारे मिल रहे हैं। यहाँ हम मर रहे और इसे डिनर पे जाना है। कौन मिल रहा है, किससे मिल रहा है? बा कॉलेज में जो जो साथ में पढ़ते थे ना, वो सारे लोग आज मिलकर पुरानी यादों को ताजा करेंगे। तू जा, मेरी तरफ से कोई बहाना बना देना। चलना, थोड़ी देर की तो बात है। तुम जब भी यहाँ आती हो, तुम्हें अनुपमा को कहीं ना कहीं बाहर ले जाना होता ही है ना? और मैं जब भी अनु को अपने साथ बाहर ले जाती हूँ, तुम्हें क्यों प्रॉब्लम होता है? पहले तो मैं समझ सकती थी, अब क्या इश्यू है ना काव्या? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कहीं जाए ना जाए? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये जिससे मिलना चाहती है, जहां जाना चाहती है जाए, आई डोंट केयर। थैंक यू अनुराज। दोबारा जब मैं अनु को अपने साथ ले जाऊं, तो ये बात याद रख लेना। तू रहने दे, मैं नहीं जाऊं। अरे क्यों रहने दे मम्मी, इट्स अ रियूनियन, यू मस्ट गो। और क्या, पुराने दोस्त मिलेंगे, मन भी बहल जाएगा। अरे घर में इतनी परेशानियां चल रही है और आप इसे घूमने भेज रहे? हाँ ये भी सही है। बेटा तू घर में ही बैठ। अरे बापूजी पर लीला, मैं सोच रहा था तुझे बाहर कुल्फी खिला लाऊं, पर क्या है अब घर में इतनी परेशानी है तो कुल्फी खा के क्या करोगी? चलो हम दोनों यहीं बैठ के रो लेते हैं। नहीं नहीं, बाप का मन है तो हम जाते हैं ना कुल्फी खाने। वैसे भी हमारे घर में बैठने से परेशानियां थोड़ी दूर हो जाएगी। अरे अनुपमा के घर बैठने से भी नहीं होगी, है ना? हाँ। जा बेटा तू जा, और देख मजे करना। चलिए मम्मी मैं आपको रेडी करती हूँ। मैं वैसे भी कॉलेज में बस एक ही साल रही थी, मुझे तो कोई ढंग से याद भी नहीं है। अनु, लेकिन उन लोगों को तू याद है, कुछ को बहुत अच्छी तरह से याद है। मतलब? मतलब तेरा सिर, जल्दी से तैयार हो जाना। सुन, तू ज्यादा जोश में मत आना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कुछ नहीं होगा, चल सच में तुझे कुल्फी खिलाऊं। ये अचानक कॉलेज का रियूनियन कहां से आ गया? आज हमारे कॉलेज का सुपरस्टार, कॉलेज की जान अहमदाबाद आया है। ये रियूनियन उसी ने प्लान किया है। रियूनियन?
काव्या, तुम्हारा पति बार बार रियूनियन क्यों कह रहा है? Does he also want a reunion? We have fun. I hate this woman. समर, फोन तो उठाओ यार, अब क्या बात भी नहीं करोगे? नहीं करूंगा, ना बात करूंगा ना मिलूंगा। इतनी बड़ी बात नंदू ने मुझसे क्यों छुपाई? वो कमीना उसे परेशान कर रहा था तो मुझे बताना चाहिए था ना। क्या मैं इतना पराया हूँ कि नंदू अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर भी नहीं कर सकती? फाइन, रोहन, लेट्स टॉक। ये लड़का फोन क्यों नहीं उठा रहा है? क्या समर? मम्मी, नहीं, हाँ, जरा भी नहीं, मैं साड़ी पहनूंगी। मम्मी प्लीज, अब अपनी कॉलेज में इसके साथ रियूनियन पार्टी पे जा रही है, कोई जागरण में नहीं जा रही है। क्यों, पार्टी में कोई साड़ी नहीं पहनता? पहनते हैं मम्मी, पर आप सलवार सूट में बहुत प्रिटी लगती है। बेटा, मुझे सलवार सूट की आदत नहीं है ना, तो ऐसे लोगों के सामने जाने में जरा शर्म आती है, तो मैं नहीं। फाइन, पर मैं साड़ी डिसाइड करूंगी और जो मैं लाऊंगी वही पहनना पड़ेगा। ठीक छे मारी माँ। मैंने सुना है कि कोई कॉलेज रीयूनियन पार्टी में जा रहा है। वो तेरी देविका मासी ने जिद की तो मैं। ग्रेट मम्मी, यू शुड गो। आप पर बहन जी बन के मत जाना। मैं मम्मी जी हूँ, मेरे लिए बहन जी बनना मतलब प्रमोशन होना है। नॉट एट ऑल मम्मी, देखना मम्मी मेरी बात ही नहीं सुन रही है। तो हम मम्मी की बात नहीं सुनेंगे और अपने हिसाब से रेडी करें। ऐसे किसे मतलब, क्या क्या कर रहे हो तुम दोनों? ये देख स्वीटी, क्या इसे कोई, ये अच्छी है ना ये पहन? मम्मी, ये साड़ी एकदम मम्मी टाइप है। मैं मम्मी ही हूँ। आप घर पे मम्मी हैं पर वहाँ आप कॉलेज की क्लासमेट हैं। एक मिनट, कहाँ जा रही किंजल? एक मिनट आई मम्मी मैं। तू ठीक से रखना। ये लड़का भी ना इतना भी क्या गुस्सा के फोन तक नहीं उठा रहा है। भगवान करे उसका और नंदिनी का झगड़ा जल्दी खत्म हो जाए और दोनों के बीच सब 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 ठीक हो जाए। ये ना बाबा ना। हाँ बाबा, हाँ हा? देखना मम्मी, आज की शाम कितनी स्पेशल होने वाली है। पांडाय कुछ है कितना अलग, आज कुछ तो नई बात है नई धूप सुबह नई और नई मेरी शुरुआत है, नए सपने नई आशा, मन ने सीखी नई भाषा, अब भी क्या बना दिया तुम लोगों ने मुझे? पार्वती से फू, मम्मी से मॉम, एकदम सिटी मॉम। तुम आजकल की लड़कियां ने एकदम बदतमीज हो। पर मम्मी, ऑन अ सीरियस नोट, क्या पता पुराने दोस्तों से मुलाकात एक नई दोस्ती की शुरुआत हो, क्या पता आपको कोई ऐसा मिल जाए जो आपकी लाइफ में दोस्त की कमी को पूरा कर दे। तुम लोगों की कॉलेज में और लड़कियां नहीं थी? थी ना, बहुत सारी। क्यों? अनुपमा को सहेली बनाने के लिए तू ही मिली। Why you so funny? Blessing. Thanks. I need the blessings. May I have your attention, please? Ladies and gentlemen, presenting batch 1995, Miss Anupama.
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।